थर्ड एग्जांपल इसमें स्टूडेंट्स आ रही है, ये लॉन्ग टेल मोनोकिन्स जो हैं, ये बर्ड्स हैं, ये कहते हैं जनाब हमें ये कोस्टा रिंका फॉरेस्ट हैं जी, इनमें हमने देखा है इनको मोनोकिन को। इसमें क्या होता है कि तीन जो मेल होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना, थ्री मेल्स वर्क टुगेदर टू अट्रैक्ट द फीमेल। तो अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हमने देखा है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि 19 times per minute एंड 5000 times per day। तो वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब फीमेल वो स्पॉट पे पहुंचती है, अट्रैक्ट होती है उनके साउंड से, अब ये क्या करते हैं, तीनों बर्ड्स जो हैं अप डाउन जंपिंग डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, साथ में ये विजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको वो कॉल कह रहे हैं। अब जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तीनों मेल जो है ना मिलकर जो है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जंपिंग देखें, वन मेल जंप अपवर्ड एंड बैकवर्ड ओवर द सेकंड मेल, मीनवाइल अ सेकंड मेल हुप अलोंग द ब्रांच आर टू टेक ओवर द फर्स्ट मेल, यानी तीनों आपस में हाथ मिला के जनाब वो आपस में मिलकर वो डांसिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं ताकि फीमेल को अट्रैक्ट कर सकें, जंपिंग करते रहते हैं। अब क्या होता है, व्हेन द डिस्प्ले बूट इज़ ओवर, जब वो थक जाते हैं, वन मेल लीव द डिस्प्ले ब्रांच एंड वॉच वाइल द रिमेनिंग मेल डज द सोलो परफॉर्मेंस। अब तीनों में से एक जो है वो थक जाता है, वो चला जाता है, बाकी दो जनाब लगे रहते हैं अपने इस काम में। अब क्या होता है, अब उन तीनों में से बाकी दो रह गए, अब उन दो में से जो है वो इफ़ हिज जिमनास्टिक हैव इम्प्रेस द फीमेल देन शी मेट्स विद हिम। अब तीनों में से किसी एक के साथ जिसकी वजह जिससे वो इम्प्रेस हुई, वो उसकी जंपिंग से उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगी। अब बात करने का मकसद क्या है कि इस ग्रुप में फिर बाकी दो को तो नुकसान हो गया, लेकिन इस पैराग्राफ में देखते हुए कहते हैं कि जो सोलिटरी मेल है यानी जो अकेला मेल है, वो कांट मेट एट ऑल, वो कभी भी मेटिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए एक मेल को दूसरों के साथ मिलकर ये बिहेवियर करना पड़ता है। अब इसमें कोई उनका आपस में मुकाबला नहीं होता, लेकिन अब जिसकी जितनी जंपिंग पावर ज़्यादा होती है उतने फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन जब अगर वो अकेला रहेगा तो उसका साउंड कम होगा, उसकी तरफ फीमेल अट्रैक्ट नहीं होगी। तो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उसको तीन के ग्रुप में रहना ज़रूरी है। अब तीन के ग्रुप में रहेगा तो जो जिसका डांसिंग जंपिंग बिहेवियर ज़्यादा है वो ज़्यादा ग्रो कर सकेगा। इफ़ द सबऑर्डिनेट मेल आउट लिव हिज पार्टनर, इट इज़ लाइकली टू दैट द यंग मेल वन दैट कैन बी डोमिनेंट तो विल बिकम हिज न्यू एसोसिएट। वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी ये तीन की पेयरिंग फिक्स रहेगी। अब उनको पता चल जाता है कि ये इसके साथ हमारा काम नहीं चलेगा, वो अपना ग्रुप चेंज कर लेते हैं, यानी ये माना कि इन बर्ड जो हैं वो अपनी पेयरिंग चेंज करते रहते हैं। ठीक हो गया जी, ये एक एग्जांपल होगी। आगे जनाब लास्ट एग्जांपल ये बेबून्स में है, ये मंकी हैं जी, ये आप देखें इसमें क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब क्या होता है कि इस एक मेल की जो पास कोई फीमेल नहीं है, कोई मेटिंग नहीं है, तो ये फिर क्या करते हैं, दूसरे मेल के साथ मिलकर ये इसके राइवल हैं, इनके साथ ये मेटिंग उनकी फ़ीमेल को अट्रैक्ट करता है, इनके साथ लड़ाई करता है ताकि इनको भगा सके और वो इसके साथ मिलकर फिर जो है वो मेटिंग कर सकता है। तो ये भी ओलिव इसको कहते हैं, ओलिव बेबून जो हैं, इसमें भी अ मेल हु लैक अ फीमेल कॉन्सर्ट सम टाइम एंड लिस्ट द हेल्प ऑफ द फ्रेंड टू विन अनदर मेल्स मेट, जो दूसरे की जो है मेटिंग पार्टनर उसको वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, इस तरह ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, एलियन बिटवीन द टू अलाइंस सॉरी बिटवीन द टू मेल ओलिव बेबून, द टू मेल ऑन द राइट आर कोऑपरेटिंग टू चैलेंजिंग द मेल ऑफ, यानी ये दोनों मिले हुए हैं और ये इनको चैलेंज कर रही हैं। अब आखिर पे क्या होगा, मेल दैट वाज असिस्टेड विल हैव अ रेसिप्रोकेट टू मेंटेन द अलाइंस, तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे आपस में, दोनों मेल मिलकर आपस में कोऑपरेटिव कर रहेंगे और उनका ब्रीडिंग बिहेवियर चलता रहेगा। तो ये एग्जांपल हैं जी कोऑपरेशन के हवाले से। पिछले जो हमने लास्ट चैप्टर में एग्जांपल डिस्कस की थी वो ये थी कि एनिमल्स का आपस में कंपटीशन होता है, तो वो जो मेल्स होते हैं वो आपस में ग्रुप में अगर इकट्ठे भी होते हैं तो उनमें एक ही डोमिनेंस बनता है, बाकी हायरार्की की वजह से मेटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अदर स्ट्रेटजीज एनिमल्स ने अडॉप्ट की हुई हैं। तो इसके बाद कल मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है ना वो ब्रीडिंग के हवाले से भी बताऊंगा कि ब्रीडिंग में भी ये था कोऑपरेशन फॉर द अलार्मिंग प्रीडेटर से बचाना, और यहाँ पर था फॉर दी कॉपुलेशन, ठीक है ना, यानी मेटिंग पर्पज़ के लिए। आगे हम देखेंगे मज़ीद वो उसकी जो ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको मज़ीद किस तरह से कोऑपरेशन की मदद से हेल्पफुल होता है, तो वो इंशाल्लाह मैं कल आपको वो भी लेक्चर अपलोड कर दूँगा।